गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 मैं आपको आज सॉल्व करूँगा एंड आप खुद भी सॉल्व करोगे, डिस्कस इसके बारे में होगा। 5.4 एक्सरसाइज 5.4 ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज 5.4 ओके। क्या लिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर यूजिंग स्मॉल ग्रेट एंड इक्वल, इनमें यूज करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 13/14, 8/21 ठीक है, यही है। तो हम इसमें दो ऑप्शन होते हैं सॉल्व करने के, एक तो है आपके एलसीएम द्वारा, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। जो एग्जांपल आपके 22 में दे रखा है, किसमें दे रखा है, 22 में। तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाले करते हैं, वो सिंपल है थोड़ा, जैसे कि 13/14 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 8/21 ठीक है। तो देखते हैं हम, 13/21 इज इक्वल टू एंड 14/8 इज इक्वल टू, तो 13 1 13 13 2 26 और 1 27 ये कितना आएगा, 14 8 112 ये आएगा ना, 112 ठीक है। अब इसमें देखो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ग्रेट है या इक्वल है या स्मॉल है, तो ये ग्रेट है ना, यानी फर्स्ट वाला क्या है, पहले जो सॉल्व किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13/14 ये है आपका 8/21 और ये हमें दिख रहा है फर्स्ट क्या है, ग्रेट, तो उसकी तरफ ये सिंबल लगा देंगे, क्लियर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें से। सेकंड देखो, सेकेंड में क्या है, 5/7 एंड ये है 20/28, तो यहाँ कर देंगे हम, सीधे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। तो 5/28 एंड 7/20 तो देखते हैं, चेक करते हैं, 5 8 40, 5 2 10 और 4 140 ये हुआ ना, 5 8 40 5 10 और ये 7 2 40 तो क्या है, ये इक्वल है, क्या है ये इक्वल। तो 5/7 एंड 20/28 क्या है ये सिमिलर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चंस नोट कर लो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बॉय रीड 2/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे, एंड 1/5 ऑन द सेकेंड डे, ऑन विच डे डिड ही रीड मेजर पार्ट ऑफ द बुक, मतलब कौन से दिन, कौन से दिन हमने, तो ये टू देखो मैं दिखाई दे रहा तुमको, तो इसमें हमें क्या करना है, लिखेंगे हम ए बॉय रीड 2/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे ठीक है। सेकेंड डे कितना है, 1/5, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे,
कंपेयर, कंपेयर करने में ये मालूम पड़ जाएगा आपको कि कौन से दिन अधिक बुक रीड की, समझे? ये पूछ रहा है ऑन विच डे। तो हम अभी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको बताया था किस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे, तो आपको हम कंपेयर करेंगे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ इसको, उस क्वेश्चन को। टू अपॉन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव, तो टू फर्स्ट आएगा 2 5 10 और सेकंड आएगा 3 अपॉन 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट डे, क्या फर्स्ट डे आपका जो रीड की है वो अधिक की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आप रीड करें। ऑन ए पार्टिकुलर डे ए वॉक्ड 1 3 अपॉन 5 km, वी वॉक 2 1 अपॉन 7 एंड सी वॉक 2 2 अपॉन 3। तो राइट द डिस्टेंस कवर्ड बाई डैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मालूम है कि क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि आप डाउन जा रहे हैं, पहले ग्रेट, उससे फिर उससे कम, फिर उससे कम, स्लो स्लो से डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो ए वॉक्ड 1 3 5 km एंड बी वॉक्ड 2 1 7 km एंड सी वॉक्ड 2 2 3 km। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको प्रॉपर, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, प्रॉपर बना लो। तो 5 1 जब 5 और 3 8 अपॉन 5, इसको हम बना सकते हैं 7 2 जब 14 और 1 15 अपॉन 7 एंड 2 3 6 और 2 8 8 अपॉन 3। यही है ना? ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 डिनोमीटर का, किसका लेंगे हम? डिनोमीटर का एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 3। अब एलसीएम इसका कोई इक्वल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सीधा सीधा आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105, क्या आएगा? 105, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं 8 अपॉन 5, इसको हम 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई ऐसा करें इसका कि 105 आए। क्या है? 105। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बताओ? 105 आए 21 से, तो यहाँ भी 21 से। एट वन जा एट, एट टू जा 16 और ये 105। सेकंड क्या है? 15 अपॉन 7, तो 15 ये 15, ठीक है।
ठीक है भैया। एंड लास्ट का है 8/3। एट फाइव जा 40 एंड 8 3 जा 24 और 4 28 अपॉन 105। तो अब देखो असेंडिंग ऑर्डर, वो सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर किस में करवा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है पहले ग्रेट, फिर स्लो, फिर स्लो। तो 205 ये हो गया। तो अब देख लेते क्या क्या है। डिस्टेंस तो सबसे पहले क्या करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर 2 3 सीधे लिख दो, और उसके बाद 2 1 7 एंड 1 3 5। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यू ट्रॉफीज, कुछ ट्रॉफी आज हैं, वर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग रमेश, सुरेश एंड प्रकाश, ठीक है। रमेश गॉट 3/8, सुरेश 1/2 एंड प्रकाश गॉट 1/8 ऑफ टोटल ट्रॉफीज। हु गॉट द मैक्सिमम ट्रॉफी, क्या पूछ रहा है, हु गॉट मैक्सिमम, किसको अधिक ट्रॉफी मिली। तो क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है मैंने एलसीएम लेके, आप एलसीएम लोगे किसका, 8 8 2 का, ठीक है। अब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद जिस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया है इसी तरह मल्टीप्लाई कर लोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके करोगे, जो अधिक आता है वही उसमें नाम लिख देना, चाहे रमेश हो या सुरेश हो या प्रकाश हो, ठीक है। ये सेल्फ लगा लो बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन द स्मॉलेस्ट, ऐसे ही इसको निकालोगे, 3/4 2 है तो 3/4 या 12 और 2 14/3 हो जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद इन नीचे वाला डिनोमीटर का चारों का क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है मैंने उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। और जो स्मॉल हो उसे लिख देना कि ये स्मॉल नंबर ये है, ठीक है। ऐसे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में इस टाइप से निकालोगे, लोगे एलसीएम लोगे नीचे वालों का डिनोमीटर का, एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने ये किया है, बताइए देना है एलसीएम लेने के बाद ये इस टाइप से, तो इस टाइप से कर लोगे, और जो ग्रेट हो आप डिजिट ग्रेट मालूम पड़े उसको ही आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, पहले स्मॉल फिर उससे ग्रेट फिर उससे ग्रेट फिर उससे ग्रेट, ओके। तो इसको इसको भी इस तरह टाइप से कर लोगे जिस टाइप से मैंने पीछे किया है सब। एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो इसमें भी एलसीएम लेना है डिनोमीटर का, और फिर पहले ग्रेट उसके बाद लो फिर लो लो, ओके। ये क्वेश्चन कर लो, ये सब क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप से हो जाएंगे, और उसमें अगर नहीं प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज भी देख वो एग्जाम्पल भी देख लेना, और मैंने बता भी दिया है क्या करना है। तो ये एक्सरसाइज है ही फिनिश, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 नेक्स्ट वीडियो में, ओके।